इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार को अपने पास्ट की एक पार्टी याद आती है और यहाँ पर वो एक लेडी से मिलता है जिसका नाम माया हैंसन है और इसने एक एक्सपेरिमेंट से एक ऐसा वायरस बनाया है जिससे लोगों की चोट बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। तभी वहाँ पर मौजूद एक और साइंटिस्ट जिसका नाम एल्ड्रिच है वो टोनी को अपनी कंपनी में काम करने के लिए कहता है और वो कहता है कि मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ और इसका नाम एडवांस आइडिया मैकेनिक्स है। पर टोनी उसके इस ऑफर को मना कर देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब सभी एवेंजर्स ने मिलकर लॉकी को हराया था तो इस सदमे के कारण कई बार टोनी को पैनिक अटैक्स आते हैं और इसी वजह से वो कई बार बीमार भी हो गया था। अपनी इस हालत को देखकर टोनी ये फैसला करता है कि अगर फिर से दुनिया में इस तरह का खतरा आया तो उसके लिए मुझे पहले से ही रेडी होना होगा और इसलिए वो एक पूरी के पूरी आर्मी बनाता है। और इस दौरान वहाँ पर कई सारे टेररिस्ट अटैक होते हैं और इन अटैक्स के पीछे एक गैंग का हाथ होता है और ये गैंग 10 रिंग्स होती है। इसका असली नाम मैंड्रिन है और जब उसने ये हमले करवाए थे तो वहाँ पर मौजूद टोनी का एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम हैप्पी है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है और इस वजह से टोनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो एक इंटरव्यू में उस गैंग के लीडर को धमकाता है और इस वजह से वो सारे के सारे टेररिस्ट टोनी के घर पर हमला कर देते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जो लेडी टोनी को उस पार्टी में मिली थी वो भी यहाँ पर होती है और वो यहाँ पर टोनी को ये बताने आई थी कि 10 रिंग्स तुम्हारे घर पर हमला करने वाले हैं। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाती 10 रिंग्स के लोग उन पर हमला कर देते हैं। पर टोनी अपने एक सूट की मदद से पेपर और उस लेडी को बचा लेते हैं और टोनी वहाँ से भागने लगता है और फिर वो सूट को वापस बुलाता है और फिर वो सूट ऑटो पायलट मोड में होता है इसलिए वह टोनी को एक सेफ जगह पर ले जाता है। और अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि टोनी का सूट खराब हो चुका है पर असल में अब भी उसमें इतनी पावर थी कि वो टोनी को फिर से कैलिफोर्निया अपने घर ले जा सकते थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि टोनी स्टार्क मारा गया और फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है जो अपने सूट को लेकर एक गांव में आता है और वहां पर उसकी मुलाकात एक छोटे से बच्चे से होती है और फिर वो उस बच्चे को अपनी मदद करने को कहता है। और फिर वो उस गांव में आता है तो वो देखता है कि वहां पर भी ठीक वैसे ही हमले हुए हैं जैसे उसके घर पर हुए थे और फिर वो अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देता है और फिर उसे पता चलता है कि ये हमले किसी हथियार से नहीं हुए हैं बल्कि ये हमले कुछ सोल्जर्स ने किए हैं जिनके अंदर सुपर पावर है। और क्योंकि ये हमले सोल्जर्स की मदद से हो रहे थे इसलिए सरकार को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था और इसलिए इस हमले पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब टोनी उस बच्चे की मदद से मैंड्रिन की लोकेशन का पता लगा लेता है और फिर वो उस जगह पर जाता है और टोनी का सूट खराब हो गया था इसलिए उसने इस बच्चे की मदद से वहीं पर मौजूद कबाड़ से कुछ हथियार बनाए थे और फिर वो मैंड्रिन के हेडक्वार्टर पर हमला कर देता है। फिर उसे यहाँ पर पता चलता है कि ये आदमी असली मैंड्रिन नहीं है बल्कि ये तो आतंकवादियों की सिर्फ मदद करता है और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर पोस्ट करता है। और फिर हमें एल्ड्रिच को दिखाया जाता है जिसने उस लेडी माया के वायरस की मदद से अपने शरीर को पूरी तरह से ठीक कर लिया होता है और फिर वो टोनी को पकड़ लेता है और फिर वो उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है और फिर वो टोनी को बताता है कि उसने पेपर को भी अपने कब्जे में कर लिया है। और यहाँ पर एल्ड्रिच टोनी को बताता है कि उसने पेपर को इस फैक्ट्री में नहीं रखा है बल्कि दूसरी फैक्ट्री में रखा है पर यहाँ पर वो होलोग्राफिक इमेज की मदद से पेपर की बात टोनी से करवाता है। एल्ड्रिच ने टोनी और पेपर को इसलिए पकड़ा था जिससे कि वो उस वायरस को और भी ज्यादा बैलेंस कर सके जिससे कि वो उसकी पावर को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके इसलिए वह इस काम में टोनी की मदद लेना चाहता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो लेडी माया भी एल्ड्रिच के साथ काम कर रही थी पर जब उसे टोनी के साथ इस सौदे के बारे में पता चलता है तो वो एल्ड्रिच को समझाती है पर उसे ये बात पसंद नहीं आती तो वो माया को गोली मार देता है। और एल्ड्रिच एक काफी ज्यादा तेज दिमाग वाला साइंटिस्ट था इसलिए वो अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से जितना हो सके उतना अपनी जगह को मिलिट्री की नजरों से छुपाने की कोशिश कर रहा था और वो ये सब इसलिए कर रहा था जिससे कि वो अपने सारे कामों को ठीक से कर सके। इसके बाद हमें टोनी के दोस्त रोडी को दिखाया जाता है जिसे अब एल्ड्रिच ने पकड़ लिया होता है। अब क्योंकि टोनी वहां से भाग गया था और वो अब उस जगह पर जाने वाला था जहां पर एल्ड्रिच ने पेपर को रखा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरे यूएस आर्मी एल्ड्रिच की लोकेशन को ढूंढ रही होती है पर वो उसे ढूंढ नहीं पाती पर टोनी उस जगह को ढूंढ लेता है और साथ ही साथ उसे पता चलता है कि एल्ड्रिच का अगला निशाना यूएस प्रेसिडेंट है। और फिर हमें एल्ड्रिच को दिखाया जाता है जो अब सूट के अंदर जाकर प्रेसिडेंट को जान से मारने वाला
करता है और फिर वो सीधा पहुंच जाता है यूएस एयरफोर्स के बेस पर। और यहाँ पर प्रेसिडेंट दूसरे देश के लिए जाने को तैयार हो रहे थे, तभी वहां पर एल्ड्रिच आ जाता है और फिर वो प्रेसिडेंट को लेकर वहां से उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसने पेपर को रखा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो प्रेसिडेंट को मारकर उनका लाइव टेलीकास्ट सारे यूएस को दिखाने वाला है। और अब क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट एल्ड्रिच के कब्जे में है, इसलिए सारी की सारी पावर्स वाइस प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं और अब वो एल्ड्रिच की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि एल्ड्रिच ने वाइस प्रेसिडेंट की बेटी की मदद की थी। उसके एक पांव कट गया था तो उसको फिर से रीजनरेट कर दिया था एल्ड्रिच ने। और फिर हमें टोनी और रोडी को दिखाया जाता है जो प्लान बना रहे होते हैं, और फिर टोनी फैसला करता है कि वो पेपर को बचाएगा और रोडी प्रेसिडेंट को बचाएगा। और फिर हमें वहां पर आयरन मैन और एल्ड्रिच के बीच एक जोरदार फाइट दिखाई जाती है और यहां पर एल्ड्रिच का शरीर लावा की तरह हो जाता है और टोनी अपने सूट्स की मदद से उसे हराने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि रोडी प्रेसिडेंट को बचाकर वहां से निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एल्ड्रिच ने टोनी से बदला लेने के लिए पेपर के अंदर भी वायरस डाल दिया था, जिससे उसका शरीर भी लावा की तरह होने लगता है। टोनी पेपर को बचाने की काफी कोशिश करता है पर वो वहां से नीचे गिर जाती है और टोनी को लगता है कि अब वो मर चुकी है और इसलिए वो थोड़ा दुखी हो जाता है। और तभी वहां पर एक सूट आता है जिसे वो एल्ड्रिच को पहना देता है और फिर वो इस सूट को ब्लास्ट कर देता है, पर वो इस हमले से भी बच जाता है। पर तभी वहां पर पेपर आ जाती है और अब क्योंकि उसके अंदर भी वो वायरस था इसलिए वो बच गई थी। और वो यहाँ पर एल्ड्रिच को काफी ज्यादा मारती है और वो उसे मार डालती है। और फिर टोनी जार्विस से कहकर अपने सारे सूट को ब्लास्ट करवा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस नकली मैंड्रिन को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। और फिर हम देखते हैं कि टोनी ने पेपर को भी अब पूरी तरह से ठीक करवा दिया है। और इसके बाद हमें टोनी को दिखाया जाता है जो अब अपने शरीर में मौजूद उस मिसाइल के टुकड़े को भी निकलवा देता है और इस तरह से अब उसे आर्क रिएक्टर की भी जरूरत नहीं है, इसलिए वो उस आर्क रिएक्टर को पानी में फेंक देता है। और इस कहानी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि टोनी अपनी कहानी ब्रूस बैनर को सुना रहा होता है और फिर वो वहीं पर सो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको आयरन मैन 3 मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको MCU की और मूवीज देखनी है तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी MCU की मूवीज कवर की हैं और इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।